श्योपुर जिला चिकित्सालय के सामने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर बैठी आशा उषा सहयोगियों के तीसरे दिन मीडिया से मुखातिब होते हुए आशा उषा सहयोगियों ने बताया कि विगत वर्षों से अपनी मांगों को लेकर शासन स्तर पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। आशा उषा सहयोगी वापस अपने कार्य पर लौट गए थे, लेकिन एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी आज तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। अपने कार्य के दौरान एक लंबे समय तक आशा उषा द्वारा अपना समय दिया जा रहा है। वहीं आशा उषा की मदद से जिले में मातृ और शिशु मृत्यु दर पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। वहीं प्रसव के दौरान आशा उषा सहयोगी द्वारा निरंतर समय की किसी भी पाबंदी के अनुरूप सर्वाधिक समय देकर सफल प्रसव भी कराए जा रहे हैं, जहां निरंतर सेवा प्रदान किए जाने के बाद भी आशा उषा सहयोगी की लंबित मांगों का निराकरण सरकार द्वारा नहीं हो रहा है। यही कारण आशा उषा सहयोगियों ने पूरा हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। आशा उषा और सहयोगिनी कार्यकर्ताओं द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं टीकाकरण अभियान और आशा उषा कार्यकर्ताओं की सेवाओं के अभाव में गर्भवती महिलाओं की जांचें, माताओं और नवजात शिशुओं की देखभाल, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की जांचें, परिवार नियोजन के साधन का वितरण और टीकाकरण के 100% नहीं हो पा रहा है। बीपी शुगर के मरीजों का भी यहां पर इलाज नहीं हो रहा है। संस्थागत प्रसव में भी कमी हो रही है, लोग होम डिलीवरी करवाने पर मजबूर हो रहे हैं। आशा द्वारा किए जा रहे सर्वे भी नहीं हो पा रहे हैं। मलेरिया वाले मरीजों की सलाइट और दवाई भी नहीं हो पा रही है। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। उषा और आशा सहयोगिनी द्वारा ये जो प्रदेशव्यापी हड़ताल जारी है, आपकी किन मांगों को लेकर के आप यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं? ये हमारी जो हड़ताल है, ये आशा उषा सहयोगी संगठन की है। हमारा सिर्फ एक निश्चित मानदेय हो जाए, हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है। इसके लिए हमने 2021 में भी हड़ताल रखी थी, उसका एक प्रस्ताव भी आया था, लेकिन उसमें उनका अभी तक कोई लेटर नहीं आया है। सिर्फ इसीलिए हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। हम लोग दिन रात काम करते हैं, सिर्फ 2000 में किसी का घर नहीं चलता, इसलिए हम इस हड़ताल पर बैठे हैं। अगर इसका कोई लेटर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसी तरह हमारी हड़ताल जारी रहेगी। यानी आगे भी अगर आपको पत्र प्राप्त नहीं हुआ तो आगे भी आप इसी प्रकार हड़ताल पर बैठे रहेंगे? बिल्कुल, इसी तरह आंदोलन रहेगा, भूख हड़ताल भी होगी, बाकी हम कोई स्वास्थ्य से संबंधित कार्य नहीं करेंगे। विगत वर्ष भी आप लोगों ने एक बहुत लंबे अरसे तक धरना प्रदर्शन किया था, तो उस धरने प्रदर्शन के बाद में आपको सरकार ने जो आश्वासन दिए वो आज तक पूरे नहीं हो पाए, क्या कारण है उसके? आश्वासन सभी अधिकारी कहते हैं कि हाँ आश्वासन दे दिया है, आप लोग काम करें, हम आपको नियमित कर देंगे, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है। जब तक लेटर नहीं आ जाता हम तब तक कंटिन्यू हड़ताल रखेंगे और कोई कार्य नहीं करेंगे, एक लिखित में लेटर आ जाए। कहना चाहती हैं आप यहाँ हड़ताल पर बैठी हैं और किन मांगों को लेकर बैठी हैं? हम यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। जो हम आशा उषा सहयोगी जो सभी लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनका न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 हो, अगर जब तक ये नहीं दिया जाता है कम से कम तब तक 10,000 तो दिया ही जाए। और जो हम लोगों के साथ ये शोषण किया जा रहा है, जबरदस्ती काम के लिए प्रेशर दिया जाता है, वो बंद किया जाए, क्योंकि हमारे लिए कोई तनख्वाह या बंधा हुआ वेतन नहीं है, सिर्फ हमको हमारे काम का पैसा मिलता है। और फिर सरकार वगैरह ये भी कहती है कि आप समाज सेवा है, अगर हम समाज सेवा कर रहे हैं तो फिर हमारे ऊपर दबाव क्यों बनाया जाता है काम का? अधिकारी दबाव बनाते हैं, ये बोलते हैं कलेक्टर साहब लेटर दे रहे हैं, जब हमारे लिए बोला जाता है समाज सेवा, तो समाज सेवा के हिसाब से हम काम करेंगे ना, हमारा मन आएगा जो हम काम करेंगे, नहीं माना तो नहीं कर रहे काम, तो ये सब बंद करा जाए, है ना। और 2000 रुपए में सरकार, इतना महंगाई में 2000 रुपए में क्या होता है? है हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में भी डालेंगे तो ये भी सरकार जानती है कि आखिर हम लोग हमारा खुद का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं अच्छी तरह से, जो घर में चलना चाहिए। तो बस हमारी यही मांगे हैं कि जो हमारी मांगे हैं, हमारे 26,000 जो न्यूनतम वेतन है वो किया जाए, लेकिन वो हमको परमानेंट किया जाए ना, बाकी की सभी सुविधाओं का जो भी सरकारी सुविधाएं होती है उनका लाभ किया जाए, ठीक है ना। बस